ओम शांति। आज की तारीख है 27/8/2023, 27 अगस्त 2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा ने 16/11/1995 में सुनाई थी। आज की मुरली का शीर्षक बहुत अच्छा है, बाबा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ, यानी अट्रैक्शन फ्री। आज इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज बाबा सदा दिल से शिव बाबा की याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। जितना बच्चों को बाबा से प्यार है, उतना ही बाबा को भी बच्चों से उतना ही प्यार है। बाबा सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। इसीलिए बाबा को भी कहना पड़ता है नंबर वन याद प्यार अनुसार। लेकिन बाबा सभी बच्चों को नंबर वन दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। हम सब बच्चों को देना शुरू करते हैं। इसीलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए रखा है। बाबा से मिलने का समय हम सब ब्राह्मण आत्माओं का सबसे पहला समय कौन सा है? अमृत वेला। क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है, शुरुआत है। तो बच्चे आदि समय पर, शुरू के समय में, जब हम दिन की शुरुआत करते हैं, बाबा का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, अपने दिल में बाबा का प्यार धारण कर लेते हैं। तो दिल में अब जब परमात्म स्नेह समाया होना हुआ है, तो उसके होने के कारण, दिल में अगर परमात्म प्यार समाया हुआ है, समाया हुआ होने के कारण कोई और दुनिया का स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। जब सुबह सुबह अमृत वेले बाबा को प्यार दिल में भर लिया, तो किसी और का प्यार आकर्षित नहीं कर सकता। अगर अपने स्थिति अनुसार पूरा दिल भर के दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा, बाबा से अधूरा प्यार लिया, बाबा से प्यार धारणा नहीं की, दिल में जगह होने के कारण अब माया भिन्न भिन्न रूप में अनेक स्नेह, चाहे वो फिर व्यक्ति का हो चाहे वैभव का हो, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। अब बाबा कहते हैं, दिल में अगर आपने थोड़ा सा भी बाबा से प्यार, बाबा से स्नेह, थोड़ा सा भी अगर आप निंद्रा में, नींद की अवस्था में अमृत वेला कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, ठीक से अमृत वेला नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो बाबा कहते हैं माया नए नए तरीके से आपके पास आएगी। अब वो चाहे किसी व्यक्ति के स्वरूप में आ जाए, किसी व्यक्ति में आकर्षण हो जाएगा, चाहे वैभव में धन की तरफ मन खींच जाएगा, चाहे किसी वस्तु की तरफ मन खींच जाएगा, तो दोनों रूप में उन स्नेहों में माया अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। कई बच्चे बाबा से कहते हैं, बाबा हमारे पास अभी तक माया आती है क्यों? जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो माया के आने के क्वेश्चन ही नहीं। माया माना माया के 5 विकार काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के रूप में किसी न किसी तरह बच्चों को परेशान करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब आप मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए, तो फिर माया के आने का कोई चांस नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। लेकिन कारण है कि आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं कर पाते, बाबा का प्यार अच्छी तरह से अपने हृदय में धारण नहीं कर पाते। अगर कोई चीज़ अधूरी भरी हुई है, कहीं भी खाली है, तो हलचल होगी ना। यही होता है अमृत वेले, जब पूरी तरह से बाबा के प्यार को अपने अंदर धारण नहीं करते, तो हलचल में आ जाते हैं। कहते भी हो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, अब ये तो कहते हो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? जरूर कहाँ व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तब वो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्म प्यार भरा हुआ नहीं है। आप सोचो, अगर आपके एक हाथ में कोई हीरा दे, दूसरे हाथ में कोई मिट्टी का गोला दे दे, तो आपकी आकर्षण कहाँ जाएगी? हीरे में जाएगी, मिट्टी में नहीं जाएगी ना। मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है, तो व्यर्थ संकल्प भी क्या है, हीरा है या मिट्टी है? बाबा पूछते हैं, मिट्टी से खेलते हो ना, आदत पड़ी हुई है, इसीलिए व्यक्ति भी क्या है? मिट्टी है। अब व्यक्ति भी क्या है? किसी वस्तु में आकर्षण, किसी व्यक्ति में आकर्षण, तो क्या है?
ये देह क्या है, मिट्टी का है। तो बाबा कहते हैं व्यक्ति भी मिट्टी है ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। देखने में तो आपको बहुत सुंदर शरीर आता है, चाहे सूरज से, चाहे किसी विशेषता से, चाहे किसी गुण से, तो क्या कहते हो बाबा, मुझे लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी की तरफ आकर्षण होता है तो क्या कहते हो बाबा, मुझे लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इस ये गुण इनका बहुत अच्छा लगता है। तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है, या कहते हैं इसमें सेवा की विशेषता बहुत है, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा स्नेह है। अब बहुत से बाबा के बच्चे ऐसे हैं, बहुत विशेष सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि उसमें भी बच्चे फंस जाते हैं। अब जब वो निमित्त बच्चे हैं, निमित्त बच्चों को देख के और बच्चे फंस जाते हैं, कहते हैं बाबा इनमें ये विशेषता है, इस कारण हम इनसे थोड़ा सा स्नेह है। शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी व्यक्ति की तरफ, वैभव की तरफ बार बार संकल्प जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा होता। कहीं कहीं पे सेंटर्स पे बहनों के लिए सोचते हैं, ये वाली बहन कोर्स कराती, ये वाली बहन मुरली सुनाती तो बहुत अच्छा होता। तो बाबा क्या कहते हैं यहाँ पर, ये भी एक आकर्षण है। व्यक्ति की सेवा की विशेषता का दाता कौन? अब ये सोचो कि बाबा के बच्चों में, बाबा ने अपने निमित्त बच्चों को जो बनाया, चाहे वो हमारी टीचर्स रहने हो, कोई भी हो, तो बाबा कहते हैं उनमें विशेषता आई कहाँ से, जो वो सेवा कर रहे हैं उनके अंदर विशेषता आई कहाँ से, किसने दी ये विशेषता? बिना बाबा के बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है क्या? अब बिना बाबा के बने तो वो इतना विशेष था नहीं, बाबा के बनने के बाद उसके अंदर विशेषताएं आई। तो बाबा पूछते हैं बिना बाबा के बने विशेषता आ नहीं सकती, तो ज्ञान भरने वाला कौन? बाबा। तो किसकी देन हुई, दाता कौन? अब ये देन किसकी, सेवा किसने दी, किसने सेवा सिखाई, किसने बाबा का ये ज्ञान सिखाया? बाबा ने सिखाया। तो बाबा कहते हैं दाता कौन? तो आपको लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? अब उसने तो बाबा से लिया, बाबा से ज्ञान धारण किया और आपको सुनाया, आप उससे आकर्षित हुए, तो बाबा कहते हैं वो तो लेने वाला हो गया, वो स्वयं बाबा से ले रहा है। तो आपको लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? तो लेवता के पीछे क्यों भागते हो? बाबा चाहते हैं हमारे बच्चे किसी भी आकर्षण में ना फंसें, किसी की सेवा के प्रभाव में ना आए, किसी के प्रभाव में ना आए। तो बाबा बहुत सूक्ष्म रूप से हमको ये बातें समझाते हैं। तो बाबा पूछते हैं लेवता के पीछे क्यों भागते हो? फिर सोचते हो कि ये तो थोड़ा बहुत बाबा होता ही है, फिर बाबा को भी समझाने लगते हो, कहते हो बाबा आप तो साकार में हो नहीं। अब शिव बाबा तो हमारा निराकार है, तो बाबा से कहते हो बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अब अव्यक्त हो गया, ब्रह्मा बाबा भी हमारे साथ नहीं रहता, आप तो बिंदु स्वरूप हो, ज्योति स्वरूप हो। अब शिव बाबा निराकार स्वरूप हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। तो बाबा से बच्चे कहते हैं आप तो निराकार स्वरूप हो, अभी हम तो साकार में हैं, इतना मोटा ताज़ा शरीर है और शरीर से सब करना है, चलना है, तो हम हैं साकार और आप आकार और निराकार हो, अभी साकार में कोई तो चाहिए ना, अच्छा बहुत नहीं, एक तो चाहिए। अब बच्चे क्या कहते हैं बाबा, साकार में तो कोई चाहिए ना, एक तो चाहिए, एक भी नहीं चाहिए। देखना बाबा तो कहते हैं एक चाहिए, एक बाबा चाहिए, बाबा कहते हैं नहीं चाहिए, एक बाबा चाहिए, बाबा तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आती हैं और मन भारी हो जाता है। अब वैसे तो बाबा से कहते हो बाबा मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, लेकिन फिर भी कहते हो बाबा साकार में तो कोई साथी चाहिए ना, चाहे एक ही हो वो, क्यों नहीं चाहिए? तब बाबा कहते हैं ऐसा करते करते अपने मन को भारी कर लेते हो, और जब मन को हल्का नहीं करते तो योग भी बाबा से नहीं लगा पाते, फिर क्या करें? अब बाबा का क्वेश्चन है ऐसे टाइम पर क्या करें? तो बाबा कहते हैं जैसे पेट भारी हो जाए तो क्या करते हैं, डॉक्टर सलाह देते हैं ना उल्टी कर देना चाहिए। तो बाबा कहते हैं आप सब क्या हो? तन वाले ने अपना जवाब दिया, मन के डॉक्टर बताओ होते तो क्या करते हैं? आपको कोई उलझन होगी तो आप क्या करेंगे? बाबा के सामने, बाबा के कमरे में जाकर सब कुछ बता दो, अपने व्यर्थ संकल्पों की उल्टियां कर दो। बाबा कहते हैं बताओ बाबा को, बाबा के आगे उल्टी करेंगे नहीं तो कहाँ करें, कोई स्थान तो बताओ ना। बाबा तो बच्चों की तरफ लेता है, उस समय तो कोई चाहिए ज़रूर। अब बाबा को सुनाएं, फिर कहते हैं बाबा सुनता ही नहीं तो क्या करें? कई बच्चों की ये भी कंप्लेंट होती है,
हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा हम ऐसे ऐसे आकर्षण में फंस रहे थे, बाबा ऐसा हुआ, बाबा वैसा हुआ, लेकिन बाबा सुनता ही नहीं, बाबा ने सुना ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया, फिर क्या करें। अब बाबा ने यहाँ पे बहुत सुंदर बात कही, बाबा ने कहा वास्तव में अगर आपके दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियाँ, परमात्म ज्ञान फुल है, अगर आपके दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियाँ, परमात्म ज्ञान फुल है, भरा हुआ है, जरा भी खाली नहीं है, तो आप कभी किसी भी की तरफ लगाओ या किसी में स्नेह जा नहीं सकता, आपका किसी की तरफ लगाओ या किसी में स्नेह या किसी में आकर्षण जा नहीं सकता। अगर आपके पास क्या क्या हो, दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियाँ, परमात्म ज्ञान फुल हो, तभी ऐसा होगा। अगर जरा भी खाली है तो माया अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो बाबा हम सब बच्चों से चाहते हैं डायमंड जुबली में जिस बच्चे को देखें, चाहे वो 2 वर्ष का हो, 2 वर्ष हुए हो बाबा के इस ज्ञान से जुड़े हुए, चाहे 60 साल हो गए हो बाबा के इस ज्ञान से जुड़े, चाहे वो बच्चा 2 महीने से ही बाबा के इस ज्ञान को सुन रहा हो, चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे समर्पण हो, चाहे प्रवृत्ति में हो, चाहे ग्रस्त में हो, लेकिन डायमंड जुबली के वर्ष में ये जो बाबा के साथ आप सबने पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे, आप सबने बीड़ा उठाया ना कि हम सब बाबा के बच्चे पवित्र रहेंगे और पवित्र रह के इस प्रकृति को पावन करेंगे, तो ये संकल्प है या बाबा को करना है? बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं है संकल्प है, इसको बाबा को करना है। बाबा के साथी हो ना आप सब, बाबा के साथी हो, थोड़ा सा हाथ ऐसे रख देते हैं, चतुराई करते हैं, ऐसे नहीं करना। बाबा चाहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने, जरा भी अपवित्रता का अंश ना हो, बाबा के जितने बच्चे हैं वो सब इस वर्ष लगाव मुक्त बने। अब वो चाहे लगाव मुक्त माना अट्रैक्शन से मुक्त, अट्रैक्शन फ्री बने। अब वो अट्रैक्शन फ्री किस चीज़ से बन सकते लगाव मुक्त? चाहे कोई साधन हो, अब किसी साधन पे बहुत लगाव है, इस साधन के बिना हम रह नहीं सकते, ये साधन मिला तो हमें तो मुश्किल हो जाएगा जीना, तो बाबा कहते हैं वो चाहे साधनों का हो, चाहे व्यक्ति से हो, साधनों से भी लगाव ना हो, यूज़ करना और चीज़ है और लगाव अलग चीज़ है। तो बाबा चाहते हैं इस वर्ष लगाव मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं, बाबा इस वर्ष हम सब बच्चों के साथ लगाव मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं। तो बाबा कहें ये फंक्शन करना चाहते हैं, इस फंक्शन में आप लोग साथी बनोगे? बाबा हम सब बच्चों से पूछ रहे हैं। अब बाबा ये लगाव मुक्त फंक्शन चाहते हैं कि बच्चे हमारे किसी भी चीज़ के लगाव में ना फंसें, अट्रैक्शन में ना आएं। तो बाबा कहते हैं आप इस फंक्शन में आप लोग हमारे साथी बनेंगे, फिर ये तो नहीं कहेंगे बाबा ये कारण हो गया, कोई भी कारण हो। अब बाबा यहाँ पे कहते हैं चाहे कोई भी कारण हो, चाहे हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए, अब इससे बड़ी बात बाबा क्या बच्चों से कह सकते हैं? बाबा कहते हैं कोई भी कारण हो, चाहे हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए, लेकिन आप उस हिमालय के पहाड़ से भी किनारा करके निकल जाओ। इतनी हिम्मत है, इतनी हिम्मत आप बच्चों में है कि हिमालय जैसी परिस्थिति भी आ जाए लेकिन आप उससे अट्रैक्शन मुक्त होके, अट्रैक्शन फ्री होके, लगाव मुक्त होके निकल जाओ। चाहे कोई भी आपके सामने आए, चाहे कोई कितना भी आकर्षित करने वाला हो, लेकिन आप उसके आकर्षण से मुक्त हो जाओ। तो बाबा पूछते हैं इतनी हिम्मत है? और इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। अब ये पूरा परमात्म ज्ञान किस पे है आधार? पवित्रता पे। बाबा का ज्ञान किस चीज़ पे आधार है? पवित्रता पे। पवित्रता नहीं तो ये ज्ञान समझ आ नहीं सकता, अंदर जाएगा ही नहीं, बुद्धि एक्सेप्ट ही नहीं करेगी कि क्या कह रहे हैं, इसमें क्या समझाया जा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अगर आप संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे, अट्रैक्शन फ्री अनुभव करेंगे, तो क्रोध भी आपका चला जाएगा। क्योंकि क्रोध कब होता है? जिस बात को, जिस चीज़ को आप चाहते हो वो पूरी नहीं होती, प्राप्त नहीं होती, तब क्रोध आता है ना। हम चाहते हैं ये चीज़ हो जाए, अब वो पूरा नहीं हुआ, तब क्रोध आता है। तो क्रोध का कारण है आपके जो संकल्प, अब तो चाहे उल्टे हों चाहे सुलटे हों, लेकिन पूर्ण नहीं होंगे,
तो आपको क्रोध आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं अगर लगाओ मुक्त रहेंगे तो क्रोध क्रोध मुक्त हो जाएंगे। तो क्रोध मुक्त करने के लिए क्या होना है, सबसे पहले हमको लगाव मुक्त होना है। जितना जितना पवित्रता के पिलर को पक्का करेंगे, अब इसके लिए क्या करना है, एक बात, जितना जितना पवित्रता के स्तंभ को, पवित्रता के पिलर को आप पक्का करेंगे, जितना पवित्र वृत्ति रहेगी, जितना पवित्र संकल्प रहेंगे, उतना ही उतना ये पवित्रता का पिलर लाइट हाउस माइट हाउस का काम करेगा, लाइट हाउस का काम करेगा। आप सब बाबा के बच्चे लाइट हाउस का काम करोगे तो लगाव मुक्त होने से कितने फ़ायदे हैं, कितने फ़ायदे हैं, क्रोध मुक्त हो जाएंगे, पवित्रता के पिलर जब आप मजबूत करेंगे तो बाबा कहते हैं आप लाइट हाउस के काम करेंगे, एक एक बच्चा बाबा का लाइट हाउस बन जाएगा। अच्छा, चारों ओर के दिल में समाए हुए बाबा के सिकी लदे श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाबा के हर एक फरमान मानने से स्वयं का औरों का अरमान समर्पित कराने वाले, सदा पवित्रता के पिलर को मजबूत बनाने वाले, पवित्रता की लाइट लाइट हाउस बन फैलाने वाले विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को लगाव मुक्त बनाने वाले, बाबा के समीप आने वाले रहने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विदेश में रहने वाले चारों ओर के बच्चों को भी बाबा का विशेष याद प्यार, क्योंकि वो याद प्यार के पत्र सदा ही भेजते रहते हैं। विदेशी लोग भी बाबा को बहुत पत्र भेजते हैं, जिन्होंने पत्र भेजा है उन्हों को भी विशेष याद, जिन्होंने दिल से याद प्यार भेजा उन्हों को भी विशेष याद प्यार। बाबा अपने हर एक बच्चे को बहुत प्यार देता है। वरदान है आज की मुरली से, निश्चय बुद्धि बन हलचल में भी अचल रहने वाले विजय रतन भव। निश्चय और विजय ये एक दो के पक्के साथी हैं, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय जरूर है ही, क्योंकि निश्चय है कि बाबा सर्वशक्तिमान है और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो विजय कहाँ जाएगी। अब जब निश्चय है हमें कि मेरा पिता परमात्मा शिव बाबा सर्वशक्तिमान है और मैं उसकी संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो विजय कहाँ जाएगी। ऐसे निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकती, निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। हलचल में भी अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजय रतन। लेकिन सिर्फ बाबा में निश्चय नहीं, स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय हो। निश्चय सिर्फ बाबा में नहीं, अपने आप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, कि जो भी बाबा जो भी हो रहा है इस ड्रामा में, जो भी सीन हो रहा है एकदम एक्यूरेट है। स्लोगन है आज की मुरली से, उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। उड़ता पंछी वह है, फरिश्ता वह है जो देह के सभी रिश्तों से, सभी नाते रिश्तों से मुक्त रहकर फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, निश्चय रखना है। बाबा कहते हैं निश्चय और विजय ये दो पक्के साथ हैं, ये दोनों साथ चलें तो हमको ये ध्यान रखना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मेरा पिता सर्वशक्तिमान है, मैं उसकी संतान मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। बहुत पावरफुल सम्मान है, आज के समय के लिए सभी के लिए बहुत अच्छा है, इसका अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम